चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद का बीएड का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस बार रिजल्ट में काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको निराशा हाथ हुई है, तो अगर आपका भी किसी पेपर में अगर आपको लगता है कि नंबर कम है, नंबर मेरे अच्छे आने चाहिए थे, अगर आपका थ्योरी पेपर अच्छा हुआ है तो आप इस पेपर में रीचेकिंग या रिवेल्युएशन जरूर करवाएं। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जो है वो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा जारी हो गया है। आज की हमारी ये वीडियो बीएड एग्जाम जो कि सितंबर 2021 में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम हुए थे उसके रीचेकिंग और रिवेल्युएशन का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसके बारे में है। सबसे जरूरी है इसकी लास्ट डेट के बारे में। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2020 है। इसकी जो लास्ट डेट है वो जनवरी में है। अगर आप विदाउट लेट फीस यानी कि जो नॉर्मल फीस है सभी विद्यार्थियों के लिए उसके साथ फॉर्म भरते हो तो आपको 11 जनवरी 2022 तक फॉर्म भरना होगा। किसी कारण से अगर आप फॉर्म भरने से रह जाते हो तो उसके बाद में एक और मौका जो है वो 27 जनवरी 2022 तक विद लेट फीस दिया जाएगा। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में भरा जा रहा है। इस सिलसिले में आप अपने संबंधित कॉलेज से एक बार बात जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी, टेलीग्राम पर इसी नंबर लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इस चीज के नोटिस मिलते रहेंगे। ठीक इसी तरह अगर आप बीएड के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी है उसका जल्द ही रिप्लाई किया जाएगा। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जो कि जींद में है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन को अगर हम देखें तो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिवेल्युएशन रीचेकिंग फॉर बीएड जर्नल अक्टूबर 2021 एग्जामिनेशन। अब काफी विद्यार्थियों के इस सिलसिले में फोन आए हैं कि रिवेल्युएशन और रीचेकिंग में क्या अंतर है। रीचेकिंग का अगर आप फॉर्म में ऑप्शन लेते हो तो केवल और केवल आपका जो पेपर चेक किया हुआ है उसकी टोटलिंग चेक की जाएगी, न कि पूरा का पूरा पेपर दोबारा से नए टीचर से चेक करवाना। अगर आप रीचेकिंग का ऑप्शन टिक करते हो तो आपके पेपर जो पहले से चेक किए हुए हैं उस पेपर में केवल और केवल जो टोटल नंबर है वही चेक किए जाएंगे कि कहीं कोई नंबरिंग उसमें टोटल करते टाइम छूट तो नहीं गया हो, कहीं टोटल करते टाइम मिस्टेक नहीं हो गई हो, तो इस तरह की चीजें रीचेकिंग में देखी जाती हैं। जबकि रिवेल्युएशन में आपका पेपर दोबारा नए सिरे से नए एग्जामिनर के द्वारा चेक करवाया जाता है। तो इसलिए अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है और आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आए हैं, एक बार सोच लें और उसके बाद में आप रीचेकिंग की बजाय रिवेल्युएशन का जो फॉर्म है पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म जो है वो आप भरें। इस सिलसिले में नोटिस दिया गया है कि बीएड फर्स्ट ईयर जनरल रीअपीयर ओनली और बीएड सेकंड ईयर रेगुलर एंड रीअपीयर का जो रिजल्ट जो है वो जो कि 22 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। अगर कोई विद्यार्थी रिवेल्युएशन और रीचेकिंग का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, उसकी इच्छा है, विश है, विश टू अप्लाई, यानी कि वो उसे लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं और वो उसको रीचेकिंग करवाना चाहता है या रिवेल्युएशन करवाना चाहता है, तो शेल अप्लाई यानी कि अप्लाई करना चाहिए 11 जनवरी 2022 तक। 11 जनवरी 2022 तक आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। उसके बाद में आपकी 27 जनवरी 2022 तक ओरिजिन तक आपकी जो है लेट फीस के साथ ये फॉर्म भरा जाएगा। ओरिजिनल डिटेल मार्क्स कार्ड यानी कि आपकी जो ओरिजिनल डीएमसी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है रिवेल्युएशन और रीचेकिंग के लिए। इन केस कौन से केस में, इफ नोट इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक
बीएड के स्टूडेंट का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी अगर हार्ड कॉपी यानी कि डीएमसी डिटेल मार्क्स कार्ड जारी नहीं किया गया है तो आप उसके बिना भी फॉर्म जो है वो भर सकती हैं। रिवेल्युएशन और रीचेकिंग फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कोई भी रिवेल्युएशन और रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो 27 जनवरी 2022 के बाद एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लेट ना हो, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं और यूनिवर्सिटी की जो साइट है वो crsu.ac.in पर आप जाएं और वहां पर जाकर के आज ही अपना फॉर्म आप भर दें। रही बात डिमांड ड्राफ्ट बनाने की और फॉर्म कैसे भेजना है तो उस चीज के लिए भी आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा हुआ है और नंबर कम आए हैं तो आप 27 जनवरी 2022 से पहले पहले अपना जो फॉर्म है वो भर दें। इस फॉर्म में रीचेकिंग और रिवेल्युएशन के फॉर्म में आपको अपना कंप्लीटली जो आपका रोल नंबर है यूनिवर्सिटी का, सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट कोड है, ये अच्छे से भरे हुए होने चाहिए। अन्यथा आपका फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा चेक पेपर जो है वो चेक नहीं किया जाएगा और फॉर्म जो है वो आपका एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन उसमें प्रॉपर से मेंशन नहीं कर रहे हो कि आपने आपका रोल नंबर क्या है, कौन सा सब्जेक्ट चेक करवाना है और उस सब्जेक्ट का कोड क्या है। ये सारी चीजें आपको आपका जो रिजल्ट है उस पर दी हुई होंगी। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ रिजल्ट मार्क मस्ट बी अटैच्ड विद फॉर्म। अगर अभी तक आपके पास डीएमसी की कॉपी नहीं आई है तो आपका जो इंटरनेट का जो रिजल्ट है कॉपी ऑफ रिजल्ट, कॉपी ऑफ रिजल्ट यानी कि जो प्रोविजनल जिसे हम रिजल्ट कहते हैं जो कि इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड किया जाता है, उसको आप साइन करके इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अच्छे सही कॉलम नहीं भरे हुए होंगे वो फॉर्म जो है वो रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। और ये यहां इन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक दे दिया है जहां से आप इसके फॉर्म की कॉपी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म की कॉपी चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की कॉपी का लिंक जो है वो दे दिया जाएगा जहां से आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। रिवेल्युएशन और रीचेकिंग का फॉर्म जो है वो एक जैसा ही है, एक ही फॉर्म है, केवल आपको उसमें लिखना होगा कि आप रीचेकिंग कराना चाहते हैं या रिवेल्युएशन करवाना चाहते हैं। अगर हम बात करें रीचेकिंग की, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप रीचेकिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका जिस भी पेपर में आप अप्लाई करें वो पेपर आपका पूरा का पूरा चेक नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके सिर्फ जो नंबर हैं वही देखे जाएंगे कि नंबर लिखने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई या उनकी टोटलिंग में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। जबकि रिवेल्युएशन का अगर आप फॉर्म भरते हो तो रिवेल्युएशन के फॉर्म में आपका पेपर जो है वो दोबारा से नए एग्जामिनर से दोबारा से चेक करवाया जाएगा। जब आप पेपर देते हो तो उसकी कॉपी पर शुरुआत में 3 या 4 कॉलम बने होते हैं, तो उसमें अगर एक बार पेपर चेक हुआ है तो ठीक है और अगर दोबारा चेक हुआ है तो उसमें दूसरा कॉलम जो है वो रिवेल्युएशन के लिए यूज कर लिया जाता है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपको रिवेल्युएशन का फॉर्म जो है वो भरना चाहिए, न के रीचेकिंग का फॉर्म। बीएड जनरल फर्स्ट ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन रूप में भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। केवल और केवल जिन विद्यार्थियों ने अभी जो सितंबर में एग्जाम हुए थे उस दौरान जिन्होंने बीएड फर्स्ट ईयर के रेगुलर विद्यार्थी के रूप में एग्जाम दिए हैं, केवल वही विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर के जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है उनको फॉलो करते हुए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप
इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से भरें, उसके साथ संबंधित जो फीस है उसके रिगार्डिंग एक DD जरूर बनाएं, जो कि रजिस्ट्रार चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के नाम से बनेगा। आप जो DD फीस के रूप में बनवाएंगे वो रजिस्ट्रार चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद के नाम से बनेगा। पेबल एट में कहां पे होगा तो वो भी जींद लिखा जाएगा। DD लगाएं, फार्म लगाएं, अगर ओरिजिनल DMC है तो वो लगाएं। इसके साथ साथ अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप एक रिजल्ट की जो कॉपी है वो डाउनलोड करके उसको अटैच करके वो लगाएं, और इसके साथ साथ खुद का एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेल्प जो है वो भी आप जरूर लगा दें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करने के बाद प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके एक नए लिफाफे में डालें, और उस लिफाफे के ऊपर सबसे पहले आप बड़े अक्षरों में या इस तरह लिखें कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिवेल्युएशन या रीचेकिंग, जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिवेल्युएशन और रीचेकिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिवेल्युएशन रीचेकिंग, दोनों में से जो भी एक आप फॉर्म भर रहे हैं वो लिखें, दोनों न लिखें। इसके आगे आप लिखें BEd फर्स्ट और सेकंड, कौन सी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। BEd फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करें तो फर्स्ट ईयर लिखें, सेकंड ईयर अगर आप लिख रहे हैं तो सेकंड ईयर लिखें। उसके बाद में ये जो फॉर्म है ये जाएगा टू रजिस्ट्रार चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद हरियाणा, और यूनिवर्सिटी का जो पिन कोड है वो है 126102। उसके बाद फॉर्म में फॉर्म भेजने वाले का एड्रेस आप अपना नाम लिखें, फादर नेम लिखें, आपका हाउस नंबर है वो लिखें, वार्ड नंबर लिखें, इसके अलावा आपका एरिया, जैसे मान लीजिए कि कई बार कोई नियर गवर्नमेंट स्कूल, नियर पुलिस स्टेशन, नियर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई मंदिर धर्मशाला कुछ भी स्टेडियम वगैरह वो लिखें। उसके बाद में अगर गांव से हैं तो अपने गांव का नाम, फिर आपकी जो भी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है, और आपका पिन कोड, और इसके साथ साथ आप अपना मोबाइल नंबर भी इस पर जरूर एनवेल पर आप जरूर लिखें। इस तरह से अगर आप एक फॉर्म भेजते हो तो वो फॉर्म बहुत ही बढ़िया और प्रॉपर तरीके से फॉर्म आपका यूनिवर्सिटी में सही जगह जाता है। कई बार विद्यार्थी ये ऊपर जो लाइन है ये नहीं लिखते, जिस वजह से क्या होता है कि फॉर्म जिस ब्रांच में जाना हो उस ब्रांच की बजाय दूसरी ब्रांच में चला जाता है, और अगर आप उस पर एनवेल पर लिफाफे पर मेंशन कर देते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप जो भेज रहे हो वो रिवेल्युएशन का है और BEd फर्स्ट या सेकंड ईयर का है, तो यूनिवर्सिटी में डाक जाने के बाद जब वो डाक की छंटाई होती है तो वो देख लेते हैं कि ये रीचेकिंग या रिवेल्युएशन का फॉर्म है, तो आपका फॉर्म जो है वो उसी टाइम संबंधित व्यक्ति के पास चला जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं लिखते हो तो आपका फॉर्म आगे पहुंचने में 1 या 2 दिन लग सकते हैं। इसी तरह की और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी खासकर टीचर एजुकेशन से के संबंध में जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर। किसी भी तरह की अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp नंबर 9355695753 पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं। जल्द ही आपके मैसेज का रिप्लाई संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक कम से कम 2 बार जरूर देखें ताकि प्रत्येक बिंदु के बारे में आपको अच्छे से पता लग पाए। रीचेकिंग और रिवेल्युएशन के फॉर्म के सिलसिले में काफ़ी विद्यार्थियों के फ़ोन आए, और उस सिलसिले में कई बिंदुओं के बारे में जो कि विद्यार्थियों ने पूछे उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। तो आपके जो भी सहपाठी हैं जो कि वर्तमान में BEd कर रहे हैं चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से, तो आप उनको ये वीडियो जरूर भेजें, और जो भी विद्यार्थी हमारे रेगुलर वीडियो व्यूवर हैं उन सभी से भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने WhatsApp स्टेटस पर लगा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस सिलसिले में जानकारी प्राप्त हो पाए। हमारी तरफ से ये इस तरह की जो एक्टिविटी है वो हमेशा ही इस रूप में की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और अधिक वीडियो ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर। धन्यवाद।